हाय एवरीवन, आज हम इंडिया गेट आए हुए हैं और इंडिया गेट में अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है और बहुत सारे हम लोग के लिए बहुत ही सुविधाएं हो गई हैं, जैसे कि वॉशरूम हो गया है। आप हमारे इधर से देखेंगे तो लेडीज़ जेंट्स वॉशरूम और पानी के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ पर। तो इंडिया गेट अभी बहुत अच्छा सा बन गया है। अभी अच्छा तो पहले भी था, लेकिन अभी और क्या हमारे लिए एडवांटेज हो गई हैं, जैसे कि हमें सड़क पार करने के लिए गाड़ियों के बीच से आना पड़ता था, रेड लाइट की भी प्रॉब्लम थी, बट अभी अंडर पास बन गया है तो हमें इधर से उधर जाने के लिए हमें ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो व्हील चेयर पर हैं उनके लिए भी अलग से एक पथ बनाया गया है ताकि वो आराम से इंडिया गेट में एंटर कर सकें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सिक्योरिटी एज़ वेल बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इतना सुंदर बनाया गया है लेकिन लोगों की आदतें, इंडिया में कुछ भी अच्छा बन जाए, कुछ भी कितना भी बढ़िया बन जाए, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपना खाया हुआ फेंकने की आदत नहीं है। खाए, फेंक दिए और उठ के चल दिए। अभी क्या है, यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन बना हुआ है पर वो खाली होगा, लेकिन पार्क में जहाँ बैठ करके वो खा रहे होते हैं वो जगह में अपना कूड़ा छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत जगह है ऐसा, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको उसकी शेयर करूँगी बाद में। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये हमारी धरोहर है और गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। कहीं भी जाइए, अपना एंजॉय कीजिए, साथ में दूसरा आए वो भी एंजॉय करे, इसका हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं।